देश में सोयाबीन की पेराई जोर पकड़ने लगी है। तेल वर्ष 2022-23 के शुरुआती दो महीनों के दौरान पेराई 42.85% बढ़ चुकी है। चालू तेल वर्ष के दौरान कुल पेराई करीब 19% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। सोयाबीन उत्पादन में बढ़ोतरी की तुलना में इस साल पेराई काफी ज्यादा होने का भी अनुमान है, क्योंकि पिछले साल का बकाया स्टॉक काफी होने से सोयाबीन की उपलब्धता अधिक है। उधर सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार तेल वर्ष 2022-23 के अक्टूबर महीने में 8 लाख टन और नवंबर महीने में 12 लाख टन सोयाबीन की पेराई हो चुकी है। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में पेराई 50% बढ़ी है। इन दो महीनों के दौरान 20 लाख टन पेराई हुई है, जो पिछली समान अवधि में हुई 14 लाख टन पेराई से 42.85% ज्यादा है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार सोयाबीन प्लांट कारोबारी और किसानों के पास 1 दिसंबर तक 111.70 लाख टन सोयाबीन का स्टॉक उपलब्ध है, यानी 111,70,000 टन सोयाबीन अभी उपलब्ध है। सोपा के कार्यकारी निदेशक डीएन पाठक ने कहा है कि बीते दो महीनों में 20 लाख टन सोयाबीन की पेराई हो चुकी है और वर्ष 2022-23 के दौरान 100 लाख टन सोयाबीन की पेराई होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2021-22 के दौरान सिर्फ 84 लाख टन सोयाबीन की पेराई हुई थी। वहीं चालू तेल वर्ष में पेराई करीब 19% बढ़ने की मुख्य वजह पिछले तेल वर्ष के 25,15,000 टन स्टॉक की उपलब्धता इस तेल वर्ष होना है। वर्ष 2021-22 में यह स्टॉक महज 1,83,000 टन ही था। सोपा के मुताबिक वर्ष 2022-23 में 120,40,000 टन सोयाबीन पैदा होने का अनुमान है, जो वर्ष 2021-22 में पैदा हुए 118,89,000 टन सोयाबीन से अधिक है। पिछले साल के बकाया स्टॉक और आयात को मिलाकर चालू तेल में सोयाबीन की कुल उपलब्धता 147,55,000 टन रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 126,27,000 टन था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।